ये अज जी एस टी टैक्सेशन डिपार्टमेंट वालों जो गवर्नमेंट वालों एक मेरा बिल ऐप लॉन्च किया गया है। सो ये असी बिल की अपलोडिंग अच्छ करवाई हैगी। सो मेरी सारी पब्लिक नकोदरवासियों भी यही रिक्वेस्ट है भी जेडे भी बिल असी कटाने है उन्होंने मेरा बिल ऐप से अपलोड करो। वो एक सरकार वालों हर महीने के पहले हफ्ते जी 7 तरीक नूं एक लक्की ड्रॉ कढ़िया जाएगा। सो आपां वध तों वध इस जो भी बिल आपां कटाउंदे हैगे किसी भी अपलायंस दे या किसी भी चीज़ दे उहदा बिल कढ़वा के उहनूं मेरा बिल ऐप ते अपलोड करो। उहदे तां जो उहदे विच इक तां फायदा होएगा कि सरकार नूं वध तों वध माली आएगा। सो इहदे विच टैक्स दी रिकवरी बहुत ज़्यादा होएगी। नाल दी नाल ही जिहड़े भी बिल अपलोड करनगे उह लक्की ड्रॉ वास्ते भी उह अपना लक्की ड्रॉ कढ़वा सकदे ने। जी जो भी कोई कस्टमर किसी भी दुकान से या किसी डीलर को जा रहा वो अपना जो भी बिल उन्होंने मिल रहा है वह पहला ऐप लोड डाउनलोड करके मेरा बिल ऐप उत्ते अपना बिल अपलोड करेगा। वो वास्ते एक तो ये है कि जो टैक्स इवेजन हो रहा जो टैक्स की जो अपने चोरी हो रही है वो एक तो सरकार को टैक्स की रिकवरी हो जाएगी। दूसरा जो अपना बिल अपलोड कर रहा है कस्टमर वो एक लकी ड्रॉ वास्ते एलिजिबल हो जाएगा। वो लकी ड्रॉ के करोड़ों रुपए के नाम गवर्नमेंट वालों अनाउंस किए गए हैं। सो ये एक तो टैक्स की रिकवरी होएगी तो नाल दी नाल ही लकी ड्रॉ के भी वो अपना शमूलीयत कर सकता। सर कोई मैसेज देना चाहो ये देखो मेरी तो सारे कस्टमर्स नू सारे नकोदर वासियों यही है कि जो भी बिल आप कटाने उन्होंने मेरा बिल ऐप से अपलोड करो तो नाल दी नाल मन चाहे अपने नाम पाओ। सर तुहाडे कहण दा मतलब जिहड़े जिहड़े दुकानदार कोई 200 रुपए की चीज़ लैंदा बिल ये है कि मिनीम 200 रुपए तो उपर का बिल होना चाहिए। घट्ट तो घट 200 रुपए तो रकम तो ज़्यादा का बिल हो सकता वो अपलोड हो सकता है। बाकी सारे बिल अपलोड हो सकते हैं। पंजाब सरकार वालों अज एक स्कीम लॉन्च की गई है। मैं पिछे दिखावगा पंजाब सरकार की जी स्कीम आ बिल लियाओ इनाम पाओ। कर विभाग पंजाब दे वालों एक स्कीम शुरू की गई है जिहड़ी कि बिल लियाओ और इनाम पाओ। की स्कीम आदि बारे जानकारी लवेंगे एस डी एम ऑफिस के मौजूद हैं जिथे अज इन्होंने एक सैमीनार लाया। मैं दसन गए सर स्वागत थोड़ा एकता लहर न्यूज़। हाँ सर इधर जी सर मैं स्टेट टैक्स ऑफिसर नकोदर जी परमजीत सिंह गिल जी अज एस डी एम सर थ्रू असी अपनी एक नवी ऐप लॉन्च की इतने मेरा बिल ऐप जी इस ऐप के राही जो कस्टमर्स है वो अपना बिल जिहड़े परचेज करते अपलोड करनगे करके इनाम सरकार ने घोषणा की है कि 200 तो उपर जिहड़ा भी बिल होएगा उहनूं अपलोड कर करदा कस्टमर तो उहनूं करोड़ों रुपए का इनाम उहनूं मिल सकदे। सर मैं रोकना चाहवां तुहाडी गल नूं बिल लियाओ इनाम पाओ इहदा जिहड़ा आम जिहड़ा कस्टमर आ उहनूं की बेनीफिट होएगा। आम कस्टमर नूं इह बेनीफिट होएगा कि वह अपना बिल अपलोड करन तो बाद उन्हों इनाम ड्रॉ निकल कढ़िया जाएगा ड्रॉ दे विच उन्हों इनाम मिलेगा। नाल दी नाल सरकार दे रेवेन्यू इनक्रीज होएगा क्योंकि अगर जिन्ना बिल अपलोड होएगा उन्ना ही सरकार नू रेवेन्यू उहदा आएगा। सर कितना बिल घट तो घट होना चाहिए? 200 रुपए तो उपर बिल होना चाहिए जिस दे विच शराब अते पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिहड़े हैगे उहदा बिल उह शामिल नहीं है जी। हाँ सर कई दुकानदार बिल नहीं करते या कई ग्राहक कस्टमर जिहड़े आ बिल नहीं लैंदे उन्होंने की मैसेज देना चाहोगे? ये सरकार ने ही जिहड़े कस्टमर बिल नहीं लैंदे आ उन्होंने वास्ते यही एक अवेयरनेस कैंपेन सरकार ने चलाई है कि अपना बिल लाओ तो अपलोड करो ताकि उन्होंने इनाम मिल सके। सर ये उत्ते लिखे वा जिमें कि 290 इनाम ये इनाम किस तरह से किदा कढ़े जाने? ये हर 7 तरीक नूं एक रैंडम ड्रॉ जिहड़ा निकलता है वह कढ़िया जाएगा। जिहड़े जिहड़े बिल अपलोड करनगे उन्हां दा नंबर लैके तो उस जिहड़ा लक्की होएगा उन्होंने इनाम मिलेगा। करोड़ों रुपए का इनाम है सरकार ने रखे तो इस करके अच्छी स्कीम है। जो दुकानदार कुछ डर जाएंगे भी असं बिल कटांगे तो सानू कोई टैक्स नहीं? सरकार उन्होंने कोई डर नहीं है वो अगर जो दुकानदार है बिल कटेगा तो अच्छी गल है सरकार का रेवेन्यू इनक्रीज होएगा। मैं मैसेज यही देना चाहवागा कि नकोदर शाहकोट नूरमहल तो लोहियां के जिन्हें मेरे व्यापारी हैं या कस्टमरस हैं जो परचेजर है वो अपना बिल दुकानदार तो लैके उन्हें जरूर अपलोड करन ता जो एक तो उन्होंने इनाम मिलन की पूरी मतलब होएगा कि उन्होंने इनाम मिलेगा
ਤੇ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇੱਕ GST ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ GST ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਟੰਗਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ GST ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ, ਬਿੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਪ ਭਰੋਗੇ, ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 290 ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 200 ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ SDM ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਧੀਂਗੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਧੀਂਗੜਾ, ਏਕਤਾ।